तो भाई आज फिर से ट्रैक्टर बनाने आए हो मैं भला, तो दिखाऊंगा वीडियो में आपको कि क्या खराबी है ट्रैक्टर। भाई मेरे साथ मेरे चाचा भी आए हैं, इनको भी सिखाना थोड़ा काम ट्रैक्टर कैसे बनाते करके, तो ले चलते हैं। हम भला आए हैं ट्रैक्टर सुधारने, जाना अभी ऊपर मकान के वहां पे है। अभी हमें जो ऊपर के जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये इसके बगल में ये मकान है, यहाँ पे जाना है। जो पेड़ दिख रहा है बड़ा, ये वाले मकान पे जाना। तो भाई ये है झंकारा, इसका हरी सब्जी बढ़िया होता है सब्जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिनका ट्रैक्टर खराब हुआ था, काफी पैदल चलने के बाद हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं। बहुत थकान हो गई है चलते चलते। नमस्ते, खेल भाई गए हो? तो दोस्तों आज ट्रैक्टर में बताना है कि स्टार्ट नहीं हो रही है ट्रैक्टर, तो इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो स्टार्ट करने के लिए पहले आपको क्या करना है ये देखो, इसका कार्बोरेटर का सफाई करना पड़ेगा हमें। कार्बोरेटर में ही इसका कचरा जमा रहता है, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो पाती है ट्रैक्टर। पहले मैं कार्बोरेटर को देखेंगे, फिर स्पार प्लग को देखेंगे। पहले कार्बोरेटर में ही कचरा को निकालेंगे हम। कार्बोरेटर खराब होने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि हम दो तीन महीने के लिए ट्रैक्टर को अंदर ही रख देते हैं। अंदर रखने के कारण पेट्रोल कार्बोरेटर में सूख जाता है, कार्बोरेटर में सूखने के बाद ही कचरा पैदा होता है उससे, इसलिए कार्बोरेटर खराब हो जाता है। तो कार्बोरेटर को सही करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या करना है। इसको वीडियो में आप बने रहो और इसको देखते रहो कि कार्बोरेटर का सफाई करके कैसे ठीक करें। तो गाइज आपने देखा होगा कि स्टार ट्रैक्टर आप घर पर रख देते हो दो तीन महीने के लिए, तो जब दोबारा उसको स्टार्ट करने का कोशिश करते हो तो स्टार्ट नहीं होता है। तो वही रीज़न है कि कार्बोरेटर खराब हो चुका है पेट्रोल सूखने के कारण। कार्बोरेटर सही करने का आसान तरीका है, क्योंकि आपके पास टूल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास टूल है तो आप घर पे ही सही कर सकते हो इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को आप देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करो, और ऐसे अनेक सारे वीडियो को देखते रहो घर पे ही, और ट्रैक्टर को बनाते रहो और मज़े में रहो, खुश रहो। नट काफ़ी जाम है, इसको खोलने के लिए एक बार वहीं लगाना पड़ेगा, तब जाके खुलेगा। तो गाइज आपको भी टी टामी इस्तेमाल करना है, टी टामी से अच्छे तरीके से नट खुल जाता है। अगर चाबी से खोलोगे तो नट स्लिप हो जाता है, अगर नट स्लिप हो गया तो खोलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप टी टामी का ही इस्तेमाल करो। और पेचकस भी आपके पास बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। पिन को आराम आराम से खोलना है इसका, हर चीज़ एक एक चीज़ खोल खोल के देखना है कि कहाँ से क्या चीज़ खोलना हो, और लगाते टाइम भी ध्यान रखना है कि कब कहाँ पे कौन सा चीज़ लगाना है।
तो गाइस इसके अंदर वाल होता है, छोटा सा छेद होता है, इसी छेद में लगता है जाम कचरा, इसी छेद में फंसता है कचरा, इसको हम खोलेंगे तब निकाल के सफाई करना पड़ेगा इसको पेट्रोल से। तो गाइस खोलते हैं इसको एक बार, फिर दिखाता हूँ आपको कि क्या चीज है। पेचकश, बढ़िया पेचकश लेना है, नहीं तो ये स्लिप होने का खतरा होता है, क्योंकि ये पीतल का होता है, पीतल एकदम से स्लिप हो जाता है, इसीलिए हमें बढ़िया पेचकश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे तरह से खुलेगा ये। तो गाइस वाल निकल चुका है, इसके छेद में देखते हैं कहीं कचरा तो नहीं फंसा है, अगर कचरा फंसा होगा तो इसको सफाई करके बताते हैं कि क्या फंसा था इसके अंदर। देखो पेट्रोल सूख के एकदम मिट्टी जैसा बन चुका है इसमें, देख इसके अंदर भी देखो कितना कचरा जमा है, इसको हम सफाई करते हैं आराम आराम से। तो पेट्रोल से सफाई हो गई और ब्रश का सहारा लेना है, ब्रश से सफाई करना है और थोड़ा पेट्रोल डाल के इसको एक बार धुलाई कर देते हैं। कार्बोरेटर धुलाई होने के बाद इसको आराम आराम से फिट करते हैं, कि दो चीज़ जहाँ से बुरा था आराम आराम से उसको फिट करते हैं। कौन सा चीज़ लगा रहा हूँ ये चीज़ को ध्यान रखो आप। तो फाइनली कार्बोरेटर लग चुका है, तो इसको आप फिट करते हैं ट्रैक्टर पर।
तो ट्रैक्टर में पेट्रोल डालना भी जरूरी है, पहले पेट्रोल डाल लेते हैं तब करते हैं इसको स्टार्ट। थोड़ा गर्म होने दो उसको।